बहुत से पीराने तरीकत उलामा वो हूबहू 100% मेरे मौकिफ पर अल्लाह के फजल से मौजूद हैं और अवाम भी। लेकिन इसके बाद वो कहते हैं मौकिफ बिल्कुल ठीक है लेकिन ये लफ्ज जरा सकील हैं, कोई कहता है ये शायान शान नहीं, कोई कहता है हम भी बयान करते रहे सारी उम्र हमने नहीं बोले, तो ये लफ्ज सिर्फ जो है वो तब्दील कर दो, यानी तोहीन नहीं मगर ये शायान शान नहीं सकील हैं बदल दो। अब इस पर मैं एक मिसाल आज पेश करने लगा हूं। हमारे बहुत बड़े आलमे दीन हैं जो बैरून मुल्क होते हैं और उन्होंने एक तफसीर भी लिखी है, तफसीर बुरहानुल कुरान, और वो हैं हज़रत साहिबज़ादा मोहम्मद तैयब नक्शबंदी साहब, ये जो लाहौर में जामिया रसूलिया शिराजिया है, साहिबज़ादा रज़ाए मुस्तफ़ा नक्शबंदी साहब, इनके वो बड़े भाई हैं और इनके जो अब्बा जी हैं वो भी मरकज़ी दारुलूम जामिया मुहम्मदिया नूरिया रिजविया भिक्की शरीफ के पढ़े हुए, अल्लाह उनकी कब्र पर रहमतों का नज़ूल फरमाए। तो ये जो साहिबज़ादा मुफस्सिर हैं अल्लाह के फजल से, और उनका बड़ा काम है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के इस मरहले में तफसीर मुकम्मल लिखी जो छपी हुई मिलती है बुरहानुल कुरान, तो उनका मैंने क्लिप सुना। आप पहले ये क्लिप समाप्त करें कि वो क्या कह रहे हैं। बागे फदक का मुतालबा करने के हवाले से हजरत जनाब सैयदा तय्यबा ताहिरा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ख़ता पर थी। ये लफ्ज़ नामुनासिब है, ये उनकी अजमत रफ़िया के साथ मुताबकत नहीं रखता, ये लफ्ज़ नहीं कहना चाहिए। बाकी उन्होंने जो मौक़िफ़ बयान किया है बागे फदक के हवाले से वो वही है जो अहले सुन्नत व जमात का शुरू से चला आ रहा है, वो बिल्कुल सही है, उसकी हम तायद करते हैं, लेकिन ये लफ्ज़ कहने की ज़रूरत ही नहीं थी। मैं भी ज़िंदगी गुजर गई है बागे फदक पर गुफ्तगू करते हुए लिखते हुए और टीवी पर बहुत सारे डिबेट्स में हिस्सा लेते हुए, लेकिन कभी भी ये कहने की नौबत नहीं आई कि जनाब सैयदा ख़ता पर थी। तो ये लफ्ज़ पहली मर्तबा अलामा जलाली साहिब ने बोला है और ये नामुनासिब है। तो इसमें उन्होंने वाज़े तौर पर यह कहा कि आपने पहली बार ये बोला है, आपने पहली बार ये बोला है, हालांकि इन हजरत साहब ने बोला ही नहीं, लिखा भी है अपनी तफसीर में। यानी ये देखो कि यानी जो कुछ वो कह रहे हैं मुझे नसीहत कर रहे हैं, अब इस पर आप क्यास करो और बहुत से बुजुर्गों को, लेकिन यह है कि उनका लिखा हुआ नहीं इनका छपा हुआ भी मिल गया है। यानी बहुत से बुजुर्ग जो कह रहे हैं कि हमने भी जिंदगी भर पहरा दिया है, हमने भी बयान किया, हमने तो कभी ऐसा नहीं कहा, और मुझे कोस रहे हैं, तो बतौर मिसाल मेरे पास बहुत से हवाले हैं लेकिन बतौर मिसाल अब एक पेश कर रहा हूं कि ये बुजुर्ग जिन्होंने मुझे नसीहत की कि नामुनासिब है ये लफ्ज वापस लो, ये उनकी शान रफिया के मुताबिक नहीं, ये वापस लो, और ये पहले कभी किसी ने नहीं बोला, आपने पहली बार बोला, जबकि उन्होंने 28वें पारे की तफसीर में अपनी तफसीर बुरहानुल कुरान में ये खुद ही लिखा हुआ है। तो जब ये सूरत हाल हो तो इंजाम गुलिस्तान क्या होगा। हां ये है कि उन्होंने जब लिखा तो उस वक्त वो भी जवाब दे रहे थे, उस वक्त वो भी महाजे जंग पर थे, उस वक्त वो भी मसलक के तहफ्फुज के लिए खड़े थे, आज शायद उन्हें भूल गया जब देखा कि सारे चढ़ाई कर रहे हैं। मैं उनके लिहाज से बहुत नरम रवैया रखता हूं कि उन्होंने यहां तक ही कहा कि नामुनासिब लफ्ज हैं, लेकिन काश के वो अपनी तफसीर में पढ़ लेते कि ये नामुनासिब तो उन्होंने खुद भी लिखे हुए हैं, यानी तोहीन वाले गुस्साखी वाले और क्या क्या वो तो सारे बात के हैं। तो जब ये सूरत हाल है, अगर किसी ने भी ये जवाब दिया है
لوگ کہتے ہیں کہ تم پہلے ہو جنہوں نے یہ لفظ بولے ہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 14 صدیوں میں جس نے روافض کے اس اعتراض کا جواب دیا ہو اور یہ لفظ بولے بغیر دیا ہو، مجھے ایک بندہ بھی دکھا دو 14 صدیوں. اگر دیا نہیں تو پھر وہ اس محاذ جنگ پہ نہیں، وہ علیحدہ باس میں ہیں، تو انہوں نے بولنا نہیں تھا. وہ دو مقامات پر تو ہم خود کہہ رہے ہیں کہ بولنا جائز ہی نہیں. ہمارے خلاف دلیل پیش کرو 14 صدیوں میں سے کہ جس نے روافض کے اس اعتراض کا جواب دیا ہو، جب وہ پورے دین پہ حملہ کر رہے ہیں اور سارا معاذ اللہ جرم جو ہے وہ دوسری طرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو معصوم تھیں، وہ تو خطا کر ہی نہیں سکتی تھیں، ناجائز کام کا ارتکاب کر ہی نہیں سکتی تھیں، وہ تو اپنا حق مانگ رہی تھیں، وہ تو خطا کر ہی نہیں سکتی تھیں، اور جو کچھ معاذ اللہ دوسری طرف سے ہوا وہ سب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ ڈال رہے ہیں. اب یا تو یہ کہو کہ وہ ڈالتے رہیں معاذ اللہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم کہہ کے وہ جو نتیجہ نکالتے ہیں کہ وہ خلافت کے اہل ہی نہیں تھے، یا تو ان کی اس بات کو برقرار رکھ کے پورے دین سے ہاتھ دھو لو اور یا جواب دو. تو جس نے بھی جواب دیا ہے، اگر وہ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لفظوں کے بغیر، جس کی میں نے پھر تشریح کی ہے، اگر اس کے بغیر دیا ہے تو پھر یہ کہو کہ پہلی بار تم بول رہے ہو اور پیر صاحب بول رہے ہیں. اور اگر وہ یہی لکھ کے گئے ہیں، جس کے پھر ہم حوالہ بھی پیش کریں گے، تو پھر ہم نے کوئی نیا دروازہ نہیں کھولا، ہم نے تو 14 صدیوں کی اصول اہل سنت پہ پہرا دیا ہے اللہ کے فضل سے. اچھا، اب یہ حضرت صاحب جن کی آپ نے نصیحت سنی، ان کی برہان القرآن سے آپ الفاظ سنیں. یہ سورہ حشر کے اندر 28ویں پارے میں صفحہ نمبر 37 پر وہ یہ لکھ رہے ہیں، جلد نمبر 7 ہے، 7ویں جلد، برہان القرآن. اب توجہ سے سننا، اس کے بعد میرا خیال ہے اگر کوئی عادل مزاج ہوگا تو پھر کسی ایک لفظ کی بھی ضرورت نہیں. ویسے ہم تو مسلسل سمجھاتے ہی رہیں گے انشاءاللہ. اب دیکھو، لکھتے ہیں وہی جو مجھے کہہ رہے ہیں تم پہلے بندے ہو، وہی جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف خطا اجتہادی کی نسبت کرنا یہ جو ہے کہ وقوع ہوا ہے خطا کا، وقوع صرف امکان نہیں، وقوع، یہ تم پہلے بندے ہو. وہ لکھتے ہیں کہ ایک بار مجھ سے ایک شیعہ ذاکر نے یہاں برطانیہ میں فون پر سوال کیا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دین کا علم نہ تھا، وہ کوئی ناحق مطالبہ کیسے کر سکتی تھی؟ یعنی یہ جو دوسرا پہلو ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یوں بیان کرو، پہلے پتا نہیں تھا پھر پتا چلا حدیث کا، تو یہ اس نے سوال کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہیں پتا نہ ہو. تو پھر وہ کوئی ناحق مطالبہ کیسے کر سکتی تھیں؟ جس طرح تصفیہ میں پیر صاحب نے وہ اعتراض لکھا کہ سیدہ معصومہ تھیں، وہ کسی ناجائز کام کا ارتکاب نہیں کر سکتی، یہاں اس نے کہا کہ وہ کوئی ناحق مطالبہ کیسے کر سکتی تھیں. یہ ہے جہاں سے گزرنا ہے. اور آج بھی میں علماء و مشائخ کو جو مجھ پہ تیر اندازی کر رہے ہیں کہ وہ بھی تو جملہ جواب میں کہہ دیں، ان کا بھی حق ہے کہ شان صدیق اکبر پہ پہرا دینے کا، آج ووٹ دیں شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور شیعہ کو کہیں میں نے بھی یہ جواب دیا ہے، میری طرف سے بھی یہ جواب ہے، تو پتہ چل جائے گا میرا جرم کتنا ہے. اب جنہوں نے لکھا تھا اور مجھے کہہ رہے تھے، لیکن جب دیکھا تو وہ مجھ سے کئی سال پہلے کہہ چکے تھے، اور پھر تفسیر جیسی مستند کتاب کے اندر، کوئی رسالہ نہیں، 7ویں جلد میں لکھ بھی چکے تھے. اب سوال یہ سب ذہن میں رکھیں، تمام عوام اس کو سمجھیں، اور میرے پاس یہ کافی پہلے سے میں حوالہ یہ میرا دیکھا ہوا ہے، لیکن اب میں نے سمجھا کہ اس کو ظاہر کیا جائے تاکہ یہ سارے جو ایک ہی بولنی بولتے جا رہے ہیں، پہلے تم ہو پہلے تم ہو، یہاں تک کہ کئی لا تعلقی والوں نے بھی اس کو ذکر کیا، پہلے تم ہو،
काश के वो देख लेते कि 14 सदियों में उलमा ने लिखा क्या क्या है। अच्छा, अब तो बिल्कुल वो ये कारी तैयब साहब तो जिंदा हैं अभी, इसलिए इनसे बात शुरू की है। मैंने उसे कहा, जवाब आवारा, ये रसूलिया शिराजिया साहबजादा रिजाए मुस्तफा के बड़े भाई, अहले सुन्नत के एक मोतबर आलिम दीन, शायद इस लिहाज से उनकी ये चंद बंदे हैं जो भी जिंदा हैं और उन्होंने कुरान की तफसीर भी पूरी लिखी हुई है, ये दो चार बंदे ऐसे हैं, ये उनका वाकई बहुत बड़ा काम है। अब ये मैं लफ्ज पेश करके फिर आगे ला ताल्लुकी तहरीक और तहरीक रजू वालों से सवाल करूंगा। अच्छा जी, कहते हैं मैंने उसे कहा, किसको? शिया जाकिर को, कि सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का सवाल करना ज्यादा से ज्यादा इज्तिहादी खता बनता है। ये सवाल करना इज्तिहादी खता बनता है, यानी वकू हुआ सवाल का, तो वो क्या था? इज्तिहादी खता थी, इज्तिहादी खता बनता है। मुझे कहने वाले कि तुम पहले हो और खुद लिख चुके हैं, लेकिन लिखा तब था जब उन्हें भी कोई पूछ रहा था और वो भी जवाब देने के लिए जिम्मेदारी महसूस कर रहे थे कि या तो शिया जाकिर को बेलगाम छोड़ दूं और वो कहता रहे कि मैंने तैयब नक्शबंदी से पूछा तो उसको तो जवाब ही नहीं आया और लोगों के अकीदे खराब करता रहे, या मैं उसे जवाब दूं तो फिर जो जवाब लफ्जों में दिया वो लिख के इकरार भी किया कि मैंने भी बोला हुआ है, ये सिर्फ लिखा ही नहीं। अब बोला क्या है कि मैंने कहा कि सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का सवाल करना ज्यादा से ज्यादा इत्यादि खता बनता है। अब आगे मेरे वाली बात कर रहे हैं, कैसे? कहते हैं कि क्या अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम से इत्यादि खता वाके नहीं हुई? क्या कुरान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का शजरे ममनुआ से खाना जिक्र नहीं किया? ये उसको जवाब में कह रहे हैं कि अगर एक अजीम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान कह रहा है कि उन्होंने शजरे ममनुआ गंदम का दाना खाया और उनसे इज्तिहादी खता हुई, ये हमारे हजारों अकाबिर ने लिखा हुआ है, शिया को जवाब देते वो कुरान का हवाला दे रहे हैं, तो ये कहते हैं कि मैंने ये साहबजादा तैयब नक्शबंदी साहब उस जाकिर को कह रहे हैं कि सैयदा ने जब मुतालबा किया था तो ये ज्यादा से ज्यादा खता इज्तिहादी बनती है और खता बनना ये कोई मसला नहीं, इस वास्ते कि आदम अलैहि सलाम से जो हो गई, जो नबी थे, तो जो गैर नबी से हो जाए तो इसमें क्या मसला बनेगा? समझ आ रही है ना आपको? जवाब सुनो, मैंने उसे कहा कि सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का सवाल करना। अब यह भी सुनो, सवाल करना से मुराद मसला पूछना नहीं है, सवाल करना से मुराद अपने हक का मुतालबा करना, यानी सअलत फातिमा तो रदी अल्लाह ताला अन्हा का मतलब यह नहीं कि वो सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला ने उसे यह पूछ रही थी क्या फरमाते हैं उलमाए दीन इस मसला के बारे में, वो कोई सवाल इस तरह का नहीं था, वो था हक मांगना, तो यानी अपने इज्तिहादी दलील की बुनियाद पर जो समझा हुआ था कि मेरा हक बनता है, तो वो दावा किया उन्होंने और दावा दलील के बगैर नहीं, उनके पास दलील थी, लेकिन वो दलील जो है उसके मुकाबले में सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु की दलील इज्तिहाद के लिहाज से और वैसे वो फायक थी, तो इस बुनियाद पर ये कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इज्तिहादी खता सवाल करना ज्यादा से ज्यादा इज्तिहादी खता बनता है। अब ये क्लियर करना चाहते हैं कि ये मैं जो कह रहा हूं कि ये जुर्म नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं जो उनके शायाने शान ना हो, मुझे तो कह रहे थे ना कि ये शायाने शान नहीं, मजहब तुम्हारा सही है, मौकिफ सही है, ये आखिरी हद है ना मुखालिफिन की कि मौकिफ सही है लेकिन लफ्ज शायाने शान नहीं, बदल लो। तो अब ये उनमें से वो हैं कि जिन्होंने लिखा हुआ भी है और बाकी का लिखा हुआ
जिसका भी है अगर मिलेगा तो ये बात मिलेगी अगर उन्होंने कहीं जवाब दिया या तकरीर अगर की है इसका जवाब देते हुए तो ये बात उन्होंने भी की होगी, लेकिन हाफिजे में नहीं। या आज फिर ये है कि ये काबू नहीं आता था, अब आ गया है, अच्छी तरह इस पे चढ़ाई कर लो। अब देखो वो एतराज दूर करने के लिए कि कोई ये ना कहे कि सजदा पाक रजी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ तुमने ये कर दिया कि वो खताई इज्तिहादी उन्होंने की, कहते हैं और क्या अंबिया किराम अलैहिस्सलाम से इज्तिहादी खता वाकई नहीं हुई, सवालिया नहीं, यानी मतलब है कि वाकई हुई है, तो जब उनसे हुई है तो उनके शायान शान है, तो जो नबी के शायान शान बात हो गैर नबी के क्यों नहीं, ये दलील दे रहे हैं। और साथ ये कह रहे हैं क्या कुरान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का शजरे ममनुआ से खाना जिक्र नहीं किया, यानी जिक्र किया है। तो इस अंदाज में बताने लगे कि मैंने जो जुमला लिखा है कि ज्यादा से ज्यादा इत्यादी खता हुई है, मैं कोई नाजायज नहीं लिख रहा, कोई कि सय्यदा पाक रजी अल्लाह ताला अन्हा के मकाम मरतबा की शायान शान ये बात ना हो और मैं लिखूं, है और इसकी ये दलीलें हैं कि एक बात अल्लाह के अजीम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शायान शान है तो सहाबा अहले बैत रजी अल्लाह ताला अन्हा का मकाम तो है ही नबूवत के नीचे, तो यकीनन इनके भी वो शायान शान होगा। फिर आगे चंद लाइनों के बाद फिर वजाहत में लिखते हैं, मैंने कहा जब अंबिया अलैहिस्सलाम से भी इज्तिहादी खता हो सकती है, अगला जुमला देखो, तो सय्यदा खातून ने जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा से क्यों नहीं हो सकती। अब ये आप उनकी असल तफसीर यानी ये देखें, आपको स्क्रीन पर ये सारे अल्फाज नजर आ रहे हैं, अब मुझे बताया जाए, मैं सवाल करता हूं उन सज्जादा नशीनों से कि जो बिठा के इन्हीं लोगों को, अब ये जो है ये हजरत आस्ताना आलिया मुकद्दसा कहला वाला शरीफ के मुरीद हैं, उनकी तफसीर है, तो अब शरकपुर शरीफ से क्या इनको भी गुस्ताख करार दिया जाएगा। और मैं कहता हूं साहबजादा रजा मुस्तफा नक्शबंदी साहब से कि आप भी तहरीके रुजू में हैं कि डॉक्टर साहब को कहो जिद ना करें, ये लफ्ज वापस ले लें, तो पहले अपने भाई से तो वापस करवा ले कि जिन्होंने कई साल पहले लिखा हुआ है और बार बार लिखा हुआ है, कम अज कम इसी सफे पे दो बार तो लिखा है और साथ दलीलें भी दी हुई हैं, यानी ऐसा नहीं कि सबकते लिसानी हो गई। मैं फिर कहता हूं जो मैंने बोला था सबकते लिसानी की वजह से नहीं, अजमत ईमानी की वजह से बोला था। आज कई तरफ से ये सुनने को मिल रहा है कि जिद कर रहा है, अड़ गया है, अड़ गया है, अड़ गया है, मैं कहता हूं अड़ नहीं गया, बुजुर्गों का अकीदा पड़ गया है। इस वास्ते अब हवाएं तूफान जो भी हो, हमने कोई कहता है बुजुर्गों की औलाद का साथ दो, मैं कहता बड़े मोहतरम हैं सारे, अदब करता हूं सबका, मगर पहले बुजुर्गों का एतिकाद है फिर बुजुर्गों की औलाद है। अगर बुजुर्गों के एतिकाद से इनहिराफ हो जाए तो औलाद के साथ रहने का फायदा ही कोई नहीं होगा।